नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो जिस तरीके से कल पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, यानी कि 14 फरवरी से पहले एक हफ्ते से लगातार वैलेंटाइन डे की चर्चा होती है और ये दिन जो है वो प्रेमी और प्रेमी जोड़ियों के लिए काफी ज्यादा खुशनुमा होता है और इसको लेकर पूरा देश में वैलेंटाइन डे लोग अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी वाइफ के साथ अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जिस तरीके से लगभग 2-3 साल हो गए और उसी दिन यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन ही पुलवामा अटैक हो गया था, तो पुलवामा अटैक हो गया था उसके बाद से देश में किस तरीके की शोक की लहर दौड़ी थी इसका बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कई लोगों के लाल इस दुनिया को छोड़कर चला गया, कई लोगों के भाई, कई लोगों के पति और कई लोगों के जो हस्बैंड हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। और इस दिन को शोक संदेश के रूप में मनाया जाता है और हर वैलेंटाइन डे के दिन मैक्सिमम जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जो लोग एक पॉपुलर इंडस्ट्री में हैं, वो लगातार पुलवामा अटैक्स के लोगों को लेकर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी में से खेसारी लाल यादव भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले बार वैलेंटाइन डे के मौके पर काजल राघवानी ट्रॉल हुई थी और वजह यह हुई थी कि खेसारी लाल यादव उनके उनके विवाद का दौर जो है वो काफी ज्यादा चल रहा था और उस समय जो है वो चिंटू पांडे के साथ इंस्टाग्राम लाइव के थ्रू वो अपने दर्शकों को वैलेंटाइन डे के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दे रही थी, वैलेंटाइन डे के बारे में बात कर रही थी। तो उस समय काफी ज्यादा ट्रॉल में आ गई थी क्योंकि इस तरीके का इस दिवस शहादत दिवस पर जिस तरीके से वो कह रही थी उसको लेकर ट्रॉल हो रही थी। और इसी को लेकर एक बार फिर से जो है वो काजल राघवानी ट्रॉल होने लगे हैं और वजह यह है कि काजल राघवानी ने एक बार फिर से जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कल जो है वो चिंटू पांडे के साथ एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो लाल लाल पहने नजर आ रहे हैं और फिर से वो हैप्पी वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देती हैं और विश्क मूवी फर्स्ट लुक कमिंग वेरी सून, फील द लव एंड स्पेंड, आपको इश्क इश्क हो जाए, और अपनी फिल्म का प्रमोशन जो है वो करती नजर आ रही है। तो वहीं कमेंट्स में लोग जो है काफी ज्यादा प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जो हैं वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और पुलवामा हमले में शहीद जवानों की बरसी पर उन्होंने कोटि कोटि नमन करते हुए उन्होंने एक तस्वीर साझा की है। तो आप एक मानसिकता, एक इंटेंशन और एक मेंटेलिटी की आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी का एक बड़ा कलाकार एक तरफ पुलवामा अटैक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है तो एक तरफ इश्क का दौर जो है वो चलता नजर आ रहा है और इसी को लेकर काजल राघवानी लगातार ट्रॉल होती नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।